नमस्कार, मैं उप्रिया, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। आगामी विधानसभा को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है, वहीं चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखते हुए अब तक कई जनसभाओं का आयोजन भी करवाया जा चुका है। इसी बीच लगभग सभी पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र को भी जारी कर दिया है। इसी क्रम में भाजपा ने भी आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसको केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने राजधानी पटना में विजन डॉक्यूमेंट को जारी किया है, जहां उन्होंने भाजपा के पांच सूत्र, एक लक्ष्य, 11 संकल्प को जारी किया है। आपको बता दें कि मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास भी शामिल थे। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि बिहार के लिए भाजपा ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में 11 संकल्प लिए हैं। इनमें सबसे पहला है कि अगर सत्ता में आए तो कोरोना वैक्सीन का मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 19 लाख नौकरी देने का भी वादा किया है। वहीं आयोजित बैठक में निर्मला सीतारमन ने प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों को भी गिनवाया है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे भवानी भट्टाचार्य की। भवानी भट्टाचार्य का जन्म आज ही के दिन 1906 में बिहार के भागलपुर जिले में हुआ था। भवानी भट्टाचार्य एक भारतीय लेखक थे जो बंगाली मूल के थे, जिन्होंने सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास लिखा था। उनका जन्म ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी के भागलपुर में हुआ था। इसके साथ ही भट्टाचार्य ने पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और लंदन विश्वविद्यालय में डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त की। वो भारत लौट आए और उन्होंने कूटनीतिक सेवा में शामिल हो गए थे। भट्टाचार्य ने संयुक्त राज्य अमेरिका में सेवा, जिस देश में वो सेवा छोड़ने के बाद साहित्यिक अध्ययन के शिक्षक के रूप में लौटे। उन्होंने हवाई में पढ़ाया और इसके साथ ही सिएटल में भी। अपने मध्य तीसरे दशक में भट्टाचार्य ने ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से यथार्थवादी संदर्भों में कथा लेखन शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा। उनका चुना हुआ माध्यम दो प्रमुख साहित्यकारों की सलाह के बाद आया था। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को बताया मौका मंत्री। पहले चरण के चुनाव की शुरुआत में अब बस कुछ ही दिन बच गए हैं। वहीं चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर भी जारी है। इसी क्रम में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सुबह सुबह अपने ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मौका मंत्री है, वहीं उप मुख्यमंत्री धोखा मंत्री है। जनता ने बहुत इन्हें समय दिया और आपने दिया जनता को धोखा। इसके साथ ही लालू ने अपने ट्वीट में एक कार्टून भी शेयर किया है, जिसमें नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी को एक और मौका मांगते हुए दिखाया गया है। विधानसभा चुनाव में वो एक और मौका मांग रहे हैं और पब्लिक उन्हें कह रही है कितना मौका दे। आपको बता दें कि इससे पहले बिहार के पूर्व मंत्री लालू प्रसाद यादव ने बिहार सरकार को लेकर कई बार निशाना साधा है। बिहार विधान परिषद चुनाव में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला बक्से में हुआ बंद। पटना स्नातक निर्वाचन सीट के 14 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 8 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज कर लिया गया है। आज सुबह 8 बजे से ही मतदान का आयोजन करवाया गया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, आज आयोजित चुनाव में खास करके स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पटना, नालंदा और नवादा में 181 मतदान केंद्र बनाए गए थे। वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 80 मतदान केंद्रों की स्थापना की गई थी। इसमें पटना जिले में स्नातक के लिए 113 और शिक्षक निर्वाचन के लिए 46 मतदान केंद्र स्थापित थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मतदान कराने के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय स्थित स्ट्रांग रूम में मत पेटियों को संबंधित मतदान केंद्रों पर बुधवार की शाम तक भेज दिया गया था। इसके साथ ही मतदान केंद्र पर मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग और हाथ सैनिटाइज करने की व्यवस्था भी की गई थी। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि चुनाव का सुगम आयोजन करवाने के लिए पटना शहरी क्षेत्र में प्रमुख शिक्षण संस्थानों में मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें मिलर हाई स्कूल, कंकड़बाग केंद्रीय विद्यालय, नोटरडम अकेडमी, इसके साथ ही डीएवी, बीएसईबी, राजवंशी नगर आदि मतदान केंद्र प्रमुख थे। चिराग पासवान ने अमित शाह को जन्मदिन की दी बधाई। जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अपने आप को एनडीए से अलग कर लिया है, मगर चिराग पासवान भाजपा से लगाव दिखाने से पीछे नहीं हटते हैं। इसी क्रम में अमित शाह के जन्मदिन पर आज उन्होंने उन्हें विश किया है, जिसके तहत चिराग ने अपने ट्वीट में लिखा कि देश के गृहमंत्री, अभिभावक आदरणीय अमित शाह जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। सर, आपको देखकर मेरे जैसे लाखों युवाओं को देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे और आपका आशीर्वाद बना रहे। गौर करने की बात यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव में लोजपा जहां भाजपा के खिलाफ एक भी प्रत्याशी को नहीं उतारने का दावा कर रही थी, वहीं लोजपा ने कई सीटों पर भाजपा के खिलाफ भी उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। भाजपा के स्टार प्रचारक शाहनवाज हुसैन आए कोरोना की चपेट में। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने स्टार प्रचारकों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें, पार्टी के स्टार प्रचारक अपने अपने पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में वोट भी मांग रहे हैं। इसी बीच भाजपा के स्टार प्रचारक शाहनवाज हुसैन कोरोना संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में उनके संपर्क में आए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, राजीव प्रताप रूडी और मंगल पांडे को भी क्वारंटाइन किया गया है। आपको बता दें कि शाहनवाज हुसैन ने ट्वीट करके बताया है कि वो कोरोना पॉजिटिव है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि उनके साथ के नेता जो मंच साझा कर रहे थे, उन्हें भी क्वारंटाइन किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने अन्य सभी लोगों से भी जांच करवाने की मांग की है जो उनके संपर्क में हाल फिलहाल में आए हो। दरभंगा में दिखा जदयू एमएलए का विरोध।
कुशेश्वर स्थान विधानसभा से जदयू विधायक शशि भूषण को वोट मांगना महंगा पड़ गया। मिली जानकारी के अनुसार जैसे ही जदयू विधायक शशि भूषण विधायक वोट मांगने पहुंचे, ग्रामीणों ने ही उन्हें घेर लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि आपने 10 सालों में कुछ नहीं किया, अगर विकास का कोई भी काम आपने किया हुआ है तो उसका हिसाब दे। ग्रामीणों ने उनके विरोध में खूब नारेबाजी भी की। ज्ञात हो यह मामला उजवा के तिगछा गांव का है। ग्रामीणों ने इस दौरान साफ कहा है कि विधायक को विकास कार्यों से कोई लेना देना नहीं रहता है, सिर्फ चुनाव के समय ही उन्हें जनता की याद आती है। चुनाव जीतने के बाद वो ग्रामीणों को तुरंत ही भूल जाते हैं। वहीं ग्रामीणों का विरोध देखकर घबराए नेता तुरंत ही वहां से निकल गए। प्रधानमंत्री की रैली में सामाजिक दूरी के साथ ज्यादा लोगों को जोड़ने की शुरू हुई तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कल बिहार की धरती पर पधारने वाले हैं। वहीं उनकी जनसभाओं में कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों को शामिल किए जाने की तैयारी जोर शोर से हो रही है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर मंच साझा करने वालों का कोरोना जांच करवाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है, वहीं जनसभा के लिए ज्यादा लोगों को जोड़ने की तैयारी की जा रही है। सभाओं के लिए बड़ा मैदान तो रखा ही गया है ताकि सामाजिक दूरी बनाई जा सके। इसके साथ ही अन्य कई क्षेत्रों में भी बड़ी LED स्क्रीन लगाने की भी तैयारी है ताकि वहां पर लोग प्रधानमंत्री का भाषण सुन सके। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य इकाई को निर्देश दिया है कि भीड़ से ज्यादा महत्वपूर्ण सामाजिक दूरी का पालन है और इसे सुनिश्चित किया जाए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में 12 रैलियां आयोजित करवाई जा रही हैं। तेजस्वी यादव ने 10 नवंबर को नीतीश कुमार की विदाई को बताया तय। आगामी विधानसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, वहीं चुनाव जनसभाओं का आयोजन कर वोटरों को लुभाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसी क्रम में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश सरकार के गिरने का दावा किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि 9 नवंबर को लालू जी की रिहाई और 10 नवंबर को नीतीश चाचा की विदाई तय है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, तेजस्वी ने उक्त बातें आज आयोजित जनसभा में कही है। इसके साथ ही ज्ञात हो कि लालू यादव की आखिरी सुनवाई 9 नवंबर को होने वाली है, जिसके तहत याचिका जारी करते हुए उन्होंने कहा था कि उन्होंने सलाखों के पीछे रहने की आधी समय सीमा को पूरा कर लिया है, जिसके बाद राजद उम्मीदवारों को बड़ी उम्मीद है कि राजद सुप्रीमो अब जल्द ही बाहर आ सकते हैं। पटना हाईकोर्ट से राजनीतिक दलों को निजी संपत्ति पर बैनर पोस्टर लगाने की छूट। बिहार विधानसभा चुनाव में अब राजनीतिक दल निजी संपत्तियों पर अपने प्रचार सामग्री लगा सकते हैं। पहले यह छूट प्रत्याशियों को केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही थी, वो निजी संपत्तियों के मालिक की अनुमति से बैनर पोस्टर लगा सकते थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस भारतीय जनता पार्टी के प्रचार एजेंट की तरफ से इस सिलसिले में पटना हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की गई थी। ऐसे में फिलहाल यह छूट केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए ही होगी। पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को ही अपने एक फैसले में भारतीय जनता पार्टी को निजी संपत्तियों के ऊपर अपना बैनर पोस्टर एवं होर्डिंग लगाने की इजाजत दी है। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ऋतिक रोशन की मां ने किया पोस्ट। सुशांत सिंह राजपूत मामले में इंसाफ की मांग लगातार सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही थी, जहां परिवार वालों को इस पूरे मामले में कुछ झोल नजर आ रहा था। वहीं एम्स की टीम ने इस पूरे मामले को साफ करते हुए साजिश की बात से इनकार कर दिया था। वहीं अब सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अभिनेता ऋतिक रोशन की मां ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत ऋतिक रोशन की मां पिंकी रोशन ने पोस्ट साझा करने के लिए अपने इंस्टाग्राम हैंडल को लिया है, जिसमें उन्होंने अभिनेता की तस्वीर के साथ उनके एक पोस्ट को साझा किया है, जिसमें लिखा था कि हर कोई सच्चाई जानना चाहता है लेकिन कोई भी ईमानदार नहीं होना चाहता है। हालांकि ऋतिक की मां ने अब तक इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई थी, मगर बीते दिन उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए #prayersarepowerful and #universeisparful लिखा। IPL के 13वें संस्करण में एक दूसरे से भिड़ेंगी राजस्थान और हैदराबाद की टीम। IPL के 13वें सीजन का 40वां मुकाबला राजस्थान और हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। टूर्नामेंट में दोनों टीम के बीच पहले एक मैच हो चुका है। राजस्थान ने उस मैच में हैदराबाद को 5 विकेट से हराया था। राजस्थान अंक तालिका में 6ठे स्थान पर है, वहीं राजस्थान 7वें स्थान पर है। हालांकि आज ये दोनों टीम जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी, क्योंकि दोनों ही टीम के लिए यह मैच महत्वपूर्ण है। IPL अपने अंतिम चरण की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में इन सभी टीमों के लिए प्लेऑफ में जगह बनाना एक चुनौती बन गई है और समय की जरूरत भी। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 77 लाख के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 55,838 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 77,06,946 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 702 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,16,616 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है, जिस तरह बीते कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि भारत में अब तक कुल मिलाकर 68,74,518 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब भारत में 7,15,812 सक्रिय मामले बचे हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार जनसभा में आने से NDA को फायदा होगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।